वेलकम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे। तो आपसे मेरे फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है मतलब कुछ अलग टाइप का होने वाला है। एंड आज हम इस वीडियो पर एक मोबाइल के थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि मोबाइल कैसा होगा, क्या ये सच में आप खरीद सकते हो या फिर गलत हो गया या फिर मतलब कुछ भी, मतलब जो अच्छा हो गया या फिर बुरा हो गया उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल का नाम होने वाला है Realme, जो अभी चल रहे Realme 11 Pro जो 5G का मोबाइल है उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या ये मोबाइल लेने के लायक है, कैमरा कैसा होगा, फिर अच्छी होगा या बुरी होगा उसके बारे में बताएंगे। तो उससे उसको एक्सप्लेन करने से पहले अभी तक हमारी इस वीडियो लाइक करना, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, एक्सप्लेन करना ठीक है। मोबाइल का जो रैम होने वाला है, मतलब इसको रैम आपको कहीं तरह के मिल जाएगा, 6GB क्या होगा मिल जाएगा या फिर 1GB का भी रैम मिल जाएगा, रैम मैटर नहीं करता ठीक है। एंड अगर आप मोबाइल लेने की बात कर रहे हो तो आप लोग, मैं क्या बताऊँ कि ये मोबाइल जो लेना है तो 5G मोबाइल लेना ठीक है। अभी के दिन में जो है 5G मोबाइल ही चलता है बहुत ज़्यादा ठीक है। एंड 5G मोबाइल बहुत अच्छी है तो 5G जरूर लेना ठीक है। एंड आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये भी 5G का ही ठीक है। रैम आपको मैटर नहीं करता, रैम आप 6GB का भी ले सकते हो या फिर 8GB का भी ले सकते हो। एंड उसके अलावा इसका जो होम है यानी कि स्टोरेज, जो इंटरनल स्टोरेज जो हो, यानी कि अगर आप वीडियो वगैरह करेंगे तो मोबाइल पे जो रहेगा वो इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा 256GB का, आपको इंटरनल स्टोरेज मिल गया यानी कि स्टोरेज आपको 256GB का बहुत ज़्यादा है, अच्छी है ठीक है। मतलब बहुत कुछ वगैरह वीडियो वगैरह करके रख सकते हो ठीक है। एंड उसके अलावा प्रोसेसर की बात किया जाए, प्रोसेसर काफ़ी हीट होने वाला है क्योंकि प्रोसेसर से है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर दिया गया है। Dimensity 7050 का आपको इधर भी प्रोसेसर मिलने वाला है, मतलब काफ़ी हद ऊपर के हद तक की है, बहुत अच्छे मोबाइल का है ठीक है। एंड इसका जो प्राइस होने वाला है, प्राइस भी अभी थोड़ा सा लो चल रहा है, डाउन चल रहा है ठीक है। प्राइस अगर आप खरीदना चाहते तो जरूर खरीद लेना ठीक है। प्राइस आपको मिल रहा है अभी 24,099 चल रहा है फ्लिपकार्ट में, यानी कि 25,000 ठीक है। अगर ये मोबाइल लेना है ना तो अच्छी होगा, मेरे हिसाब से ये मोबाइल बेटर होगा, बहुत ही अच्छी मोबाइल है। एंड उसके अलावा आपको इसके मतलब रियर कैमरा की बात कर देना कि पीछे वाला कैमरा आपको मिलेगा। ये भाई कैमरा है ना, इस मोबाइल का कैमरा ही अच्छी है क्योंकि 100 megapixel का आपको एक रियर कैमरा मिलेगा ठीक है। 100 megapixel का मतलब जो कैमरा है बड़ा कैमरा है पीछे, तो एक आपको 100 megapixel का OIS का आपको इसमें कैमरा मिलने वाला है। उसके अलावा आपको और एक कैमरा मिलेगा जिसका आपको 2 megapixel का जो छोटा वाला रहेगा उसमें मतलब जो लेंस वगैरह होगा वो 2 megapixel का आपको मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात किया जाए कि सामने वाला सेल्फी कैमरा का जो है वो आपको मिलने वाला है 16 megapixel, यानी कि 16 megapixel का आपको उसको मिलेगा। एंड डिस्प्ले के साइड की बात किया जाए, डिस्प्ले भी काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले आपको मिलने वाला है 6.7 inch का फुल HD LCD डिस्प्ले आपको मिल सकता है, मतलब LCD डिस्प्ले बहुत ही काफ करना वाला, गेमिंग के गेम वगैरह तो आप इसमें अच्छी टाइप से खेल सकते हो ठीक है। मतलब जो मोबाइल के जो डिस्प्ले है के ऊपर के डिस्प्ले होगा वो थोड़ा सा साइड में जो एयर डिस्प्ले होगा ठीक है। एंड बैटरी एमएस की बात की जाए, बैटरी एमएस भी हद तक की दिया गया है, यानी कि बैटरी एमएस के मतलब जो लेवल पे रखा गया है, बैटरी एमएस मिलने वाले 5000 mAh का बैटरी एमएस मिलेगा। एंड अदर डिटेल्स की बात किया जाए, जो नेटवर्क वगैरह की बात किया जाए, नेटवर्क आपको मिलेगा 5G 4G 5G 4G 3G 2G का आपको नेटवर्क मिलेगा, यानी कि 3G में चला सकते हो, 4G से आपको वोल्टी मिल सकता है, यानी कि नेट चला सकते हो। अगर आप आपके पास अगर आपके जो 5G अगर नेटवर्क है, अगर 5G टावर वगैरह है आपके घर के आसपास, तो आप 5G अगर पा गए तो आपको फ्री में इंटरनेट इसमें यूज कर सकते हो, यानी कि इंटरनेट खत्म नहीं होगा ठीक है अगर 5G ले तो। इसलिए बेटर होते हैं अभी के दिन में 5G ठीक है। एंड उसके अलावा सिम की बात किया जाए, सिम किस टाइप से लगेगा, उसमें डुअल सिम का आपको ऑप्शन दिया गया है, डुअल सिम का आपको ऑप्शन दिया गया है ठीक है। एंड ये जो मोबाइल है एंड्रॉइड मोबाइल होने वाला है, एंड इस एंड्रॉइड मोबाइल का आपको मिलेगा 13 Android, यानी कि एंड्रॉइड 13 आपको इधर मिलने वाला है। एंड हाइट की बात किया जाए तो इसकी लंबाई कितना होगा, जो लंबाई है मोबाइल का वो लंबाई आपको मिलेगा 161.6 mm का आपको इसकी जो लंबा मिलेगा। एंड काफी मतलब हाथ में रखने से हल्का फील होता है। एंड इसको वाइट की बात किया जाए कि भारी कितना होगा, भारी भी थोड़ा लो है ठीक है, 191 का आपको इसमें 91 ग्राम आपको इसकी वाइट मिलेगी, यानी कि काफी मतलब क्या होता है यार, काफी कूल है। एंड जो मोबाइल है ना मुझे बहुत अच्छी लगा, शेयर करने के लिए आया था क्योंकि ये मोबाइल जो फुल बेटर होने वाला है, मोबाइल काफी मतलब
मेरे सब तो अच्छी है, ठीक है। कैमरा वगैरह की बात किया था, प्रोसेसर की बात किया था, गेमिंग के लिए मतलब क्या होता है यार, बहुत ही अच्छी मोबाइल है ये। तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोग 20-25 के अंदर अगर कोई मोबाइल खरीदना चाह रहे तो ये मोबाइल आप लोग बाय कर लो, इसलिए अच्छे से मिलेगा। अगर आपके साथ थोड़ा सा लोए डाउन है तो फ्लिपकार्ट से EMI भी कर सकते हो, EMI में भी आपको इस मोबाइल को आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट से अवेलेबल, ठीक है। मोबाइल का नाम फिर से बता देते, Realme 11 Pro, ठीक है, Realme 11 Pro जो फ्लिपकार्ट में है। सो EMI भी कर सकते हो या फिर अगर कैश लेना तो कैश भी ले सकते हो, ठीक है। इस चैनल को जल्दी से आओ सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। इस अभी तक इस इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक जरूर कर देना, एंड मिलते हैं के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले। तो तब तक के लिए बाय बाय।